इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। यहाँ पर एक खाना जंगी कैफियत है। वो तीसरी बात ये कहते थे कि वो चीन उसे को एंगेज करेंगे, लेकिन ये चीन से तसादुम की पॉलिसी पे जा रहे हैं और इसराइल की हिमायत करेंगे। अफगानिस्तान से वापसी की बात की थी, उसको ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि हम रिव्यू करेंगे। तो इन सारी बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनरल एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनरल एजाज साहब, देखिए हमने जो बात अभी इंट्रो में की है वो ये की है कि जो ये जो बाइडन है ये दुनिया को ज़्यादा ख़तरनाक बना देंगे, इस लिहाज से कि ये अमेरिका की बालादस्ती का की जो पॉलिसी थी बराक हुसैन ओबामा की, उसी पॉलिसी को अपनाएंगे। और उसने पहला जो उन्होंने टेलर दिखाया है वो हमारे शाह महमूद कुरैशी को दबा के किया है। अब इनको अमेरिका के साथ में डील करना नहीं आता। मैंने अमेरिका के साथ डील करने का तरीका ये है कि उनको उसी लैंग्वेज में, उसी लहजे में जवाब दिया देना चाहिए जिस लहजे में वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसमें हम क्या करें, तो अब उसको दबा रहे हैं कि साहब आप ये हमें उसको ये इसको हमारे हवाले करें। अब जबकि हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि हवाले करने की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों ऐसी बात की जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, तो इनको किस तरह का हक पहुंचता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर वो अमरीकी मुदाखलत करे, अमरीकी वजीर खारजा की, ये जरूरत कैसे हुई। जी एजाज अमान साहब, देखिए जी, जो बाइडन साहब का जो पॉलिसी है, जो उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस किया है, तो उनके पहले प्रेसिडेंट के मुकाबले में आप पॉलिसी प्रायोरिटीज में फर्क है। पॉलिसी ऑप्शंस वो जो एक्सरसाइज करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट है। एक तो बात ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और CIA और पेंटागन के साथ मिलकर चलेंगे। जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनको डिसरिगार्ड करके अपना फैसला सुना देते थे, एक तो ये ऐसा नहीं करेंगे। तो ये मोर ऑफ द सेम पॉलिसी लेके चलेंगे जो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में थी। अब दो बातें आपने की हैं इंतहाई अहम। पहली बात मैं इसको खत्म यहाँ पे कर दूं कि अगर वो आज खालिद शेख को हमसे मांग रहे हैं तो ये पाकिस्तानी है और ये हरगिज उनके हवाले नहीं होगा। जो आफिया सिद्दीकी को वो 70 साल से ज्यादा की जेल देकर वहां बैठे हुए हैं, उसने क्या जुर्म किया था उसका, उस पर तो वो ये कहते हैं कि हमारे अदालती निजाम ने उनको अदालत ने सजा सुना दिया, लिहाजा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब हमारी अदालतें फैसला सुनाए, हमारी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, तो उस पर उन्हें एतराज कैसे हो सकता है। और फिर ये शख्स 18 बरस से तो जेल में बैठा है, अगर इसको उम्र कैद भी पहले फैसले में सुनाई जाती और ये अपील ना करता तो आज 14 साल जेल काट के ये रिहा होकर आ चुका होता। तो वो तो 18 बरस बाद उसको इंसाफ मिला है। और अब हमारी हुकूमत की भी जो है वो टांगे कांप रही है कि जी इस पर दोबारा अपील में चले जाए। तो देखिए शायद ये शाह महमूद कुरैशी साहब को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था कि माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज, नेवर टू लेट। अब भी जब दोबारा बात होगी तो ये हमारा और आपका काम है कि हम भी इंश्योर करें कि कोई पाकिस्तानी शहरी अमरीका के हवाले नहीं होगा। उसका जुर्म अगर पाकिस्तान में हुआ है तो फैसला भी पाकिस्तानी कवानीन और अदालतों के मुताबिक होगा। हाँ, इनको ये बात दो बातें समझानी पड़ेगी अमरीकन को कि एक बात ख्याल करें कि दिस इज नॉट द सेम पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमने आपको 2010 में हमने आपको तलाक दे दी थी और 2010 से हम अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं बहुत स्लोली, और नाउ दिस शिफ्ट हैज बीन कंप्लीटेड। कि जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ था तो फिर उस वक्त की हुकूमतों ने भी खून बहा देकर उनके बंदे को वापस कर दिया था। ये पाशा की बड़ी गलती है ना, हम तो पाशा को फरिश्ता समझते थे, लेकिन पाशा ने कितना बड़ा जुल्म किया जिसका मजाक उन्होंने रेमंड डेविस ने अपनी किताब में उड़ाया है। नहीं, ये पाशा का जुर्म नहीं है, मैं आपको बताता हूं, पाशा का जुर्म नहीं है। उस दिन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, जब उसको अदालत में पेश किया गया रेमंड डेविस को, मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि उनको जब पेश किया गया तो उन्होंने जनरल पाशा को बुलाया और
शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं आज, लेकिन आज यकीन करना कि इस आदमी को आज अदालत से ही रिलीफ दिलवाई जाए, ये वापस रात को जेल न जाए, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उसमें खत्म नबूवत के बैजेस लगाकर जो अदालत में फिर रहे हैं वो आज रात इसको खत्म कर देंगे और हम इस मामले को नहीं संभाल सकेंगे। तो आप बराए मेहरबानी कोई रास्ता ढूंढें और निकालें, हम इस मामले को आज हल करना चाहते हैं। जनरल साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, इंतहाई अदब से, मैं इतना खामोशी से अब सांस रोके हुए बैठे रहा आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए, यकीन मान लें कि मैं इतना मुस्तरिब हूँ था हुआ जब आपने कहा कि आप, मैंने कहा आप रिवीलेशन कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं, तो मैं चुप रहूँ। तो मैं, सवाल ये है कि क्या पाशा इस शहबाज शरीफ जैसे कमजरफ आदमी के अंडर में था? देखिए, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था और जो प्रेसिडेंट था और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब था, इन्होंने कहा कि इस मामले को इस तरीके से हल करना है और DGISI प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं फिर आपसे ये कहता हूँ एजाज अवान साहब, मैं और आप मिलकर अब ये कहते हैं कि इसको इस बात पे फांसी पे चढ़ाना चाहिए शहबाज शरीफ को, फिर अगर ये बात कही तो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर इसकी शफाफ तहकीकात आज की हो जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने की कि जो बाइडेन साहब क्या करेंगे, तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि खालिद शेख मोहम्मद को हरगिज हरगिज अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा और न करने देंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात जो आपने अफगानिस्तान के हवाले से की, वो जो बाइडेन साहब जो अभी आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात अफगानिस्तान में तो कर रहे हैं, वो चीन पर तो इल्जाम लगा रहे हैं और अफगानिस्तान में उनका कहना यह है कि तालिबान ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के हमले नहीं रोके हैं, लिहाजा हम इस पॉलिसी को रिविजिट कर सकते हैं जो मई तक विड्रॉल कंप्लीट करना है। लेकिन कश्मीर के मामले में नहीं बोल रहा है। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जो 80,000 शहादतें हुई हैं और 14,000 से ज्यादा बच्चों का रेप हो चुका है, 800 से ज्यादा बच्चों को ब्लाइंड किया जा चुका है पैलेट गन से, वहां उसकी जबान जो है उससे कोई लफ्ज नहीं निकला। तो ये दोखले में आ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए हर मुसलमान पे हर कुर्बानी ले ली जाएगी, लेकिन ईसाई को कांटा भी चुभेगा तो ये उसकी मदद के लिए अमेरिका और यूरोप बोल उठेंगे। तो ये हमें अपने पांव पे खड़े होना है, अपने कवानीन का खुद एहतराम करना है और अपने मफादात का दिफा खुद करना होगा। और दूसरी बात ये कि अभी बड़ा आपको आपके बिल्लाऊ की ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है कि वो एक जमहूरी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जमहूरियत पे कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहां पर भी इंडिया को जो है लीड देगा और वो और उस बहाने से रूस को और चाइना को कंडेम करेगा और हमें नहीं होने देना है इसकी इसकी जो। तो गाइज, ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान मीडिया, जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे अमेरिका में इतनी तारीफें कर रहा था जो बाइडन की, जो बाइडन को इलेक्शन में जिताने के लिए पाकिस्तान में की जा रही थी दुआएं, और ट्रंप के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। आपको पता है ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसके कार्यकाल में एक भी कोई नया युद्ध वॉर शुरू नहीं हुई है, जो कि अमेरिका में शायद बड़े सालों बाद ऐसा हुआ है। अमेरिका, आपको पता है, दूसरे देशों में जाकर घुस घुस कर युद्ध शुरू कराने के लिए मशहूर है। और अमेरिका में जो बाइडेन भी कुछ इसी तरीके के पुराने, मतलब इनके जो विचार हैं ओबामा के टाइम पे भी थे ये, तो ऐसे ही कुछ होंगे। और ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल था, हालांकि कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता था ये कब क्या कर सकता है, लेकिन उसने कहीं पर भी कोई वॉर स्टार्ट नहीं कराई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो दोस्तों, जो बाइडेन ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए हैं और भारत के खिलाफ जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर और मजबूती से आगे कदम बढ़ा है, तो उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जो बाइडेन की टीम ने कुल मिला के एक प्रकार से बेइज्जती ही कर दी है, और पाकिस्तान का ये बाबा सीट चाचू उसी तरीके की हरकतें कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान मीडिया
ट्रंप के काफ़ी खिलाफ था, और अब पाकिस्तान मीडिया ट्रंप को मिस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया अब एकदम से सोच रहा है कि अमेरिका में ये क्या हो गया, ये तो वही बंदा है जो भारत के खिलाफ कश्मीर कश्मीर करता था, कश्मीर को आज़ाद कराने की बातें करता था, ह्यूमन राइट्स की बातें करता था, वो एकदम से कैसे भारत का साथ दे रहा है। तो दोस्तों ये तो होना ही था, इलेक्शन जीतने के पहले लोग क्या बात करते हैं और इलेक्शन होने के बाद क्या होते हैं वो तो आपने देख ही लिया। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक वादा किया था, अगर उन्होंने इलेक्शन जीतने के पहले एक किसी भी देश से कर्जा लिया, मतलब किसी विदेशी देश से अगर कर्जा लेते हैं तो वो सुसाइड कर लेंगे। तो पाकिस्तान के इमरान खान ने अपने पार्क तक गिरवी रख के कर्जा लेना शुरू कर दिया है, तो अब इनकी सुसाइड की न्यूज़ तो अभी तक नहीं आई है। हालांकि ये सब चुनाव के पहले जनता को बेवकूफ़ बनाने के चोचले होते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इलेक्शन जीतने के पहले। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जो कि इस तरीके की न्यूज़ देखने में उत्सुक होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।